YouTube चैनल आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सॉल्यूशन नंबर 9th का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9th का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9th के ए पार्ट में बता रखा है प्रीतम एंड नरेश डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन September 30, 2018 व्हेन द बैलेंस शीट स्टूड एज़ फॉलो। देखिए यहां पे नरेश और प्रीतम दो पार्टनर हैं जिन्होंने अब अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है। आपको क्या करना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो जनरल एंट्री का कंसेप्ट सबसे लास्ट में करेंगे हम। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाएंगे। आपको बैलेंस शीट गिवन है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जितने भी एसेट गिवन है ना उसको आपको डेबिट साइड लिखना है। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट गिवन है उनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है और जो जो लायबिलिटी गिवन है उसको आपको क्रेडिट साइड लिखना है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले जितने भी एसेट हैं वो आपने डेबिट साइड नोट कर लिए। यहाँ पे आपको कैश एट बैंक नोट नहीं करना है, आपको आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नोट नहीं करना है। क्यों नहीं नोट करना है, क्योंकि कैश एट बैंक का तो हम सेपरेट एक अकाउंट बनाएंगे और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है ना ये आपको क्रेडिट साइड नोट करना है। अब आपको अमाउंट फिल करना है, तो टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट में आपको अमाउंट फिल करना है 21,500, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट में आपको 8,800 रुपीज का अमाउंट फिल करना है, टू सन्द्री डेटर में 45,000 का, टू फर्नीचर अकाउंट में 3,000 का, टू प्लांट एंड मशीनरी में 23,000 का, टू गुडविल अकाउंट में 20,000 का और टू प्रीपेड इंश्योरेंस में 300 रुपीज का आपको अमाउंट फिल करना है। तो ये तो आपने अमाउंट बैलेंस शीट से देख के सीधा फिल कर लेंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब लायबिलिटी आपकी साइड आपको गिवन है, तो लायबिलिटी में आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड जो गिवन है वो आपको क्रेडिट साइड लिखनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले बाय मिसेस प्रीतम लोन अकाउंट आएगा, बाय संद्री क्रेडिटर आएगा, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आएगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट आएगा। यहाँ पे आप नरेश को नेम नोट करेंगे, नरेश का लोन नोट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पार्टनर ही है। आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी नोट करनी होती है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है ना हमारे लिए आपको वही मेंशन करनी होती है। आप सिंपल से अमाउंट फिल कीजिए, तो प्रीतम लोन में 10,000 आएगा, संदरी क्रेडिटर 36,000 के, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 500 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमारे हैं वो 1,500 रुपीज के। अब आपको बता रखा है कि क्या करा है कि एसेट को रियलाइज कर दिया, तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू गिवन है 20,000, बिल रिसीवेबल 3,800 का है। सेम इसी तरीके से फर्नीचर की वैल्यू गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 है, डेटर जो है वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। तो अब जितने भी एसेट जो कि हमने अब एसेट बेच दिए हैं फर्म ने, क्योंकि डिसॉल्व कर रहे हैं वो फर्म को, तो एसेट बेच दिए हैं। अब जितने भी एसेट बेच दिए हैं वो सारा अमाउंट आपको क्रेडिट साइड लिखना है। यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट लिख के, अब कितने कौन कौन से एसेट बेचे हैं, स्टॉक बेच दिया, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और सन्ड्री डेटर। तो स्टॉक जो बेचा है वो 20,000 का बेचा है, 20,000 मेंशन कर दीजिए, बिल रिसीवेबल 3,800 रुपीज के बेचे हैं, फर्नीचर 5,100 का बेचा है, प्लांट एंड मशीनरी जो बेची है 35,000 की बेची है, पर जो सन्द्री डेटर है ना वो 10% कम रिसीव हुए हैं। तो सन्द्री डेटर थे कितने के, सन्द्री डेटर थे 45,000 के, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 4,500 आएगा, तो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो 40,500 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एसेट को बेच दिया, तो टोटल अमाउंट एसेट बेच के आया वो 1,04,400 रुपीज था। अब सिमिलरली क्या करेंगे कि जो लायबिलिटी होगी फर्म पे वो भी तो पे करेंगे, तो लायबिलिटी पे करेंगे तो यहाँ पे बता रखा है क्रेडिटर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्रेडिटर को जो पेमेंट करेंगे उसमें 5% का हमें डिस्काउंट मिल गया। प्रीतम एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, नरेश एग्री टू पे द आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन केम टू ₹800। चार चीजें यहाँ पे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, तो 5% डिस्काउंट मिल गया। क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करनी थी, क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 36,000 की, जिसमें 5% कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद जब आप माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आपके पास आएगा 34,200, इतनी की पेमेंट करिए क्रेडिटर को। सेम इसी तरीके से आगे बता रखा है कि प्रीतम ने एग्री करा है टू पे हिज वाइफ लोन, कि प्रीतम वाइफ का लोन, अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, तो ये भी तरीके से अब लायबिलिटी हमने पे कर दिया। तो टू प्रीतम कैपिटल अकाउंट लिख के लोन टेकन का अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है, ब्रैकेट में लोन टेकन लिख के मेंशन कर देना है 10,000 रुपीज, क्योंकि प्रीतम ने जिम्मेदारी ले ली कि उसकी वाइफ का लोन वो पे करेगा, तो 10,000 रुपीज का लोन था, 10,000 रुपीज आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद है कि नरेश एग्री कर रहा है कि वो पे करेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो नरेश कैपिटल अकाउंट लिख के आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, अमाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का 500 रुपीज, तो 500 रुपीज भी पे करेगा कौन, नरेश पे करेगा। इसके बाद अब आपको एक और एक्सपेंस गिवन है जो कि 800 रुपीज के हैं, तो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड मेंशन करना है आपको, टू बैंक अकाउंट लिख के 800 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब क्या करना है, अब आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 1,67,100 टोटल है डेबिट साइड का, जिसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल करके, तो ये लॉस होगा फर्म को, कितने का लॉस होगा, ये टोटल लॉस होगा फर्म को 14,700। क्वेश्चन बता रखा है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना प्रॉफिट और लॉसेस का, वो कैपिटल रेशियो पे करना है, तो कैपिटल रेशियो है इनकी
वो है 40,020 कैपिटल रेशो निकालेंगे तो 2:1 होगा, तो 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9,800 रुपीज का लॉस प्रीतम बियर करेगा, 4,900 रुपीज का लॉस नरेश बियर करेगा। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद आपको बनाना है लोन अकाउंट। किसने लोन लिया था? लोन लिया था नरेश ने 14,000 का, तो टू क्रेडिट लिख के मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000 रुपीज। अब पेमेंट कर दिया, अब पेमेंट करेगा फर्म, क्योंकि क्या हुआ कि फर्म ने नरेश पार्टनर से लोन लिया था तो पेमेंट फर्म ही करेगा। तो टू बैंक अकाउंट लिख के 14,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा लोन अकाउंट भी बन गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा क्या? आपको चाहिए होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस भी बने वो बैलेंस ब्रो डाउन करके मेंशन कीजिए 40,000 प्रीतम में और 20,000 नरेश में। इसके बाद अब आपको क्या करना है? इसके बाद आपको बता रखा था क्वेश्चन में कि जो प्रीतम की वाइफ का लोन था ना, वो अब प्रीतम ने टेक ओवर कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट लोन टेकन कितने रुपए का लोन है? 10,000 रुपीज का प्रीतम के, प्रीतम में आपको 10,000 रुपीज मेंशन करने हैं। इसके बाद हमें क्या बता रखा है? इसके बाद हमें ये बता रखा है कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो अब किसने टेक ओवर कर लिया? नरेश ने टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे आपको बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख के रेंट आउटस्टैंडिंग लिख के नरेश के कॉलम में 500 रुपीज लिखना है। लॉस हुआ है भी फर्म को, तो लॉस हुआ है तो ये आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख के 9,800 डेबिट वो प्रीतम के कॉलम में, 4,900 नरेश के कॉलम में। अब टोटल करना है तो टोटल करके आपके पास जो आएगा प्रीतम के कॉलम में क्रेडिट साइड 50,000 रहेगा और नरेश के कॉलम में 20,500 रहेगा, जिसमें से आप माइनस करेंगे 9,800 रुपीज को 50,000 में से। तो 40,200 का अमाउंट पे करना है किसको? प्रीतम को। और नरेश को कितना अमाउंट पे करना है हमें? फर्म को 15,600 रुपीज। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम करेंगे क्या? हम बनाएंगे अपना बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा एसेट को बेच के आया वो डेबिट साइड, और जो भी गया है लाइबिलिटी पे करने में क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रो डाउन कैश एट बैंक का बैलेंस ये मैंने 400 रुपीज, और जो एसेट को बेच के पैसा आया वो 1,04,400 रुपीज है। तो एसेट रियलाइजेशन में आपको आपको एसेट बेच के जो पैसा आया था 1,04,400 रुपीज था। अब क्रेडिट साइड आपको पेमेंट जो करिए लाइबिलिटी पे करिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट लेके कितनी लाइबिलिटी पे करिए? 32,400 रुपीज की, जो कि क्रेडिटर को पेमेंट की थी। सेम इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट लेके रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने थे? 800 रुपीज के थे। इसके बाद बाय नरेश लोन, जो नरेश लोन दिया था फर्म को, तो वो भी तो पे करना होगा, वो 14,000 रुपीज का था। तो ये सारी लाइबिलिटीज हैं। इसके बाद बाय नरेश कैपिटल अकाउंट और बाय प्रीतम कैपिटल अकाउंट, जो अपने कैपिटल अकाउंट से बैलेंस पता किया था ना, वो मेंशन कर दीजिए। 15,600 नरेश के कॉलम में आएगा और बाय प्रीतम कैपिटल अकाउंट में 40,200 था। अब टोटल कर दीजिए, तो टोटल हमारा 1,04,800 डेबिट साइड, 1,04,800 क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ तक हमारे सारे अकाउंट बन गए हैं। अब हमें जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। अब हम करेंगे जनरल एंट्री। इससे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बना लिया। अब जनरल एंट्री कंसेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट थे उन्हें डेबिट साइड लिखा था। तो सबसे पहले आपको यही एंट्री करनी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड लिखा था, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू पार्टनर्स एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट और टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ये हमने डेबिट साइड लिखा था किसमें? ये हमने लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये आपको इस तरीके से पहले जनरल एंट्री करनी है और अमाउंट आपको इजीली मिल जाएगा। बैलेंस शीट में से आप अमाउंट देख के इजीली फिल कर देंगे। इसके बाद दूसरे हमने ये किया था कि जो भी लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटीज गिवन थी उसको हमने क्रेडिट साइड लिखा था। तो आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना है आपको। मेरी एंट्री होगी आपकी मिसेस प्रीतम लोन अकाउंट डेबिट, संदरी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट फिल कर देना है आपको। ये अमाउंट भी आपको इजीली मिल जाएगा कहाँ से? बैलेंस शीट से। इसके बाद अब क्या था कि एसेट को बेचा गया था, तो एसेट बेच के हमारे पास पैसा आया था। तो आप पैसा आया था बिजनेस के पास, तो आपको क्या करना है? बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। कितना पैसा आया था ये भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट से पता चल जाएगा। 1,04,400 डेबिट साइड लिखेगा, 1,04,400 क्रेडिट साइड लिखेगा, नरेशन लिखेगा रियलाइजेशन अमाउंट ऑन सेल ऑफ एसेट। इसके बाद लाइबिलिटी पे की गई थी। अब लाइबिलिटी पे की गई है, पैसा गया होगा बिजनेस के पास से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा क्योंकि पेमेंट करी है यहाँ पे। तो अमाउंट के कॉलम में कितने की पेमेंट करी है? 32,400 का क्रेडिटर था, मैंने क्रेडिटर पे किए थे, तो यहाँ पे क्रेडिटर को पे किया था। तो 34,200 का अमाउंट डेबिट साइड, 34,200 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड। इसके बाद है
कि लोन को टेक ओवर कर लिया था प्रीतम ने, उसके अपनी वाइफ के लोन को टेक ओवर किया था। यहाँ पे रिलाइजेशन अकाउंट है बिट टू प्रीतम कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कितने का लोन था? 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट को टेक ओवर किया था नरेश ने, तो रिलाइजेशन अकाउंट है बिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट की कॉलम है 500 डेबिट साइड, 500 क्रेडिट साइड। और लास्ट में इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद जो नरेश ने भी फर्म को लोन दिया था ना, अब उसकी पेमेंट करी है फर्म ने, तो उसकी जनरल एंट्री होगी नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लोन फ्रॉम नरेश पेड। जो नरेश का लोन था वो पे कर दिया गया। कितने का लोन था नरेश का? 14,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 14,000 का ही क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद जो लॉस हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में, उसकी जनरल एंट्री होगी प्रीतम कैपिटल अकाउंट डेबिट नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप मेंशन कर लीजिएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस था? 14,700 का, जो कि कैपिटल की रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 9,800 कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और 4,900 भी नरेश के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आया था उसको आपको शो करना है, वो पेमेंट फर्म करेगी किसको? पार्टनर्स को। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मेंशन कीजिएगा, और 55,800 की टोटल पेमेंट करेगी। प्रीतम को जो पेमेंट की जाएगी 40,200 की जाएगी, नरेश कैपिटल अकाउंट को जो पेमेंट की जाएगी 15,600 की जाएगी। तो यहाँ पे आप डेबिट लिख लीजिएगा, मुझसे मिस हो गया लिखना, तो यहाँ पे आपको डेबिट लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।